राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक देव है। इनकी आराधना करने से ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव एक लोटे जल से भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली बताऊंगी, जिसको अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और यह बहुत ही आसान है, इसको मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ, क्योंकि और उससे भी पहले आपको शिव अष्टोत्तर सतनामावली के अचूक फायदे बताने वाली हूँ, क्योंकि किसी भी पाठ को करने से पहले आप सब ये जान लीजिए कि इसको करने से आपको अनगिनत फायदे हो सकते हैं। इष्ट अष्टोत्तर सतनामावली में भगवान शिव के 108 नामों का वर्णन किया गया है। भगवान शिव के शिव अष्टोत्तर सतनामावली के बहुत ही अचूक फायदे हैं, जिसमें बहुत ही मतलब इतना इसका फायदा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना हमें फायदा दे सकते हैं। तो चलिए, इन भगवान शिव के 108 नाम मनचाहा वरदान दे सकते हैं। तो चलिए, हम भगवान को नमन करते हुए सबसे पहले ओम नमः शिवाय भगवान का नमन करते हुए इसके लाभ और पहले फायदे के बारे में जानते हैं। श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली के फायदे। नित्य रूप से भगवान शिव जी की पूजा आराधना में श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ किया जाता है। सोमवार के व्रत उपवास में श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली पाठ करने से लाभ मिलता है। सावन महीने में श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली करने से लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि व प्रदोष व्रत आदि में श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ किया जाता है। श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली के नियमित जाप से को करने से जातक को अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जिस जातकों को रोजगार संबंधी परेशानी आ रही हो, उनके लिए श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली जाप करने से यह परेशानियां दूर हो जाती हैं। नित्य श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली के जाप करने से जातक को धन संबंधी परेशानियां से जूझना नहीं पड़ता है। रोजाना श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली के जाप से जातक भूत प्रेत बाधा और तंत्र मंत्र और टोने टोटके आदि से होने वाली परेशानियों से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली शनि दोष और शनि की साढ़े साथी तथा ढैया के समय करने से इन दोषों के होने वाले प्रभाव को समाप्त कर देता है। नित्य श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली जपने से साधक को मन और मस्तिष्क की शांति प्राप्ति होती है। मधुमेह रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क रोग संबंधी जातक को श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली का रोजाना जाप करने से लाभ प्राप्त होता है। जिस भी जातक तीव्र रूप से आवेश की अधिकता या बिना कारण से गुस्सा आता हो, तो श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली नियमित रूप से पाठ करना लाभकारी रहता है। जो भी साधक श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली का नित्य रूप से पठन करता है, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली रोजाना पाठ करने से साधक को धन समृद्धि यश कीर्ति की प्राप्ति के साथ साथ किसी भी कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होती है। तो चलिए, अब हम आइए आपको बताती हूँ कि श्री शिव अष्टोत्तर सतनामावली स्त्रोत्तम क्या है और इसको कैसे करना चाहिए। इसको हम श्री शिव अष्टोत्तर सतनाम स्त्रोत्तम भी कहते हैं। तो चलिए, अब आइए शुरू करते हैं। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः,
ओम नीलो लोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूल पानीये नमः, ओम खटवांगिने नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः, ओम शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीनीलकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम शितिकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कौमारे नमः, ओम अंधकासुर सूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपा निधिये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम पशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाने नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलाशवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांकाय नमः, ओम वृषाकाय नमः, ओम वृषभरूढाय नमः, ओम भस्मोदुलित विग्रहाय नमः, ओम शामप्रियाय नमः, ओम स्वर्ममाय नमः, ओम त्रयमूर्तिये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः, ओम हविषे नमः, ओम यज्ञममाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम हिरण्यरेत्से नमः, ओम दुर्दशाय नमः, ओम गिरिशाय नमः, ओम गिरिशाय नमः, ओम अंगाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम गिरिधनवने नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृतिवासे नमः, ओम पुराराते नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमथादीपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतन्वे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेनजनकाय नमः, ओम चारुविक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपते नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम अहिर्बुद्धन्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सिकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडपरशवे नमः, ओम अजाय नमः, ओम पाशविमोचकाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम हरे नमः, ओम पूजदंतविदे नमः, ओम अव्यग्राय नमः, ओम दक्षाद्वरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भग्नेत्रविदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्त्रक्षाय नमः, ओम सहस्त्रपदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। इति श्री शिवष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम्। तो कैसी लगी आपको?
ये शिव अष्टोत्तर नामावली जरूर आप मुझे में बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की सलाह और आज की उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप नोट कर लीजिए, ये आज की सलाह है। मैं आज की सलाह में आपको ये बताने वाली हूँ कि घर की कलह को कैसे दूर किया जाए। यदि किसी के घर में रोज झगड़े होते हो, कलह होती हो, तो इस कारण से सभी कार्यों में बाधाएं आ रही हो, तो आपको 21 दिन तक यह उपाय करना है। अब ये उपाय कैसे करना है ये मैं आपको बताऊं। सूर्यास्त के समय गाय के आधा किलो कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाकर साफ वस्त्र पहनकर घर की छत से शुरू करके उस दूध के छींटे देते हुए नीचे आए। मतलब आपको शहद की 9 बूंदें मिलानी है आधा किलो दूध में, और उसके बाद सबसे पहले छत पर जाएं और छत से शुरू करते हुए नीचे आएं और पूरे घर में छींटा मारते रहें। प्रत्येक कमरे में आपको दूध का छींटा मारना है, फिर मुख्य दरवाजे तक छींटे मारते हुए घर के बाहर की तरफ दूध की धार डालते हुए दूध को वहीं पर गिरा दें। इस क्रिया को करते समय अपने इष्ट देव का जप आप करते रहें, इससे शांति की प्राप्ति होती है और घर की कलह दूर होती है। इस उपाय को करने से घर में सभी जो गृह कलेश होते हैं वो सभी दूर होते हैं। तो आप ये जो श्री शिव अष्टोत्तर नामावली है इसको जरूर करिए, ये बहुत ही आसान है। इसको करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और आप इसे जरूर करें। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो इसका अवश्य ही आपको लाभ प्रदान करेगा ये शिव अष्टोत्तर नामावली। और अगर आप रोजाना नहीं कर पाते हैं तो इसे सोमवार को अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान शिव का दिन सोमवार होता है और भगवान इस शिव अष्टोत्तर नामावली सतनामावली को सुनने से बहुत प्रसन्न होते हैं और मन चाह वरदान देते हैं। तो आप इसे जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहें। अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अगर किसी भी टॉपिक पर मुझसे वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली के साथ जुड़कर हमारे साथ दुनिया में खुशियां फैलाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।